हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लिपबोर्ड एजुकेशन में। चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम पढ़ने वाले हैं आज। चलिए जी शुरू करते हैं। दिस इज अबाउट मी शिवम कौशिक हेल्पिंग यू आउट। डिफिकल्ट वर्ड्स ऑडोमीटर। ऑडोमीटर हमारी गाड़ियों में आपने देखा होगा, डिस्टेंस को मेजर करता है, दूरी मापी कह सकते हैं आप हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 1, मोशन कितने तरह की हो सकती है। क्लास 6 में हमने पढ़ा था मोशन स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सर्कुलर और पीरियोडिक। इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे मोशन को हम तीन तरह से देख सकते हैं। सीधी रेखा में गति, चक्रीय गति, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन, दोलनीय गति कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि मैं कहूँ आपसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप कहोगे कि यूनिट टाइम में उस ऑब्जेक्ट द्वारा कवर की गई डिस्टेंस ही उसकी स्पीड होती है। तीसरा है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। देखिए, अब हमें स्पीड को हमने जो हम पढ़ रहे हैं, दो तरह से स्पीड हो सकती है, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन। यदि किसी ऑब्जेक्ट की गति लगातार चेंज होती रहे तो इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यदि लास्ट पॉइंट देखिए, ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। और यदि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो इस प्रकार की गति को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझा हमने। यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट गति करेगा स्ट्रेट लाइन के अलोंग करेगा और एक कांस्टेंट स्पीड रहेगी, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट गति करेगा वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग करेगा लेकिन इसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहेगी। तो इस प्रकार की मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पेज नंबर 2, मोशन एंड डिस्टेंस। मोशन एंड ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 13, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं जानने के लिए, तो जो भी पॉइंट्स मुझे सही लगे उनको मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। और चलिए चार पॉइंट्स को और जान लेते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है, जैसे कि एक पेंडुलम गति करे। जैसे यदि मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूँ कि बताइए कि एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल बताइए, तो आप कहोगे कि घर में जो पेंडुलम होता है उसका जो मोशन है आगे और पीछे होने का, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। अब मैं कहूँगा कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछूंगा कि टाइम पीरियड क्या होता है एक पेंडुलम का, तो आप बताओगे कि द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है किसी पेंडुलम का, कि वह जिस किसी अपनी गति करते समय जिस स्थिति से निकले और दोबारा पूरी गति करने के बाद उस स्थिति में वापस आ जाए। तो इस प्रकार की जो वो एक दोलन एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, इसमें जितना समय लगेगा अपनी स्थिति से निकल के दोबारा उस स्थिति में उसी पोजीशन में वापस आने को, इस समय को कहा जाता है टाइम पीरियड। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, समय की सबसे बेसिक यूनिट है क्या, तो आप कहोगे सेकंड। चौथा और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको ध्यान से समझना है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित गति कर रहा है बिना किसी बदलाव के, ना तो उसकी गति बढ़ रही है ना ही घट रही है, तो इस प्रकार का जो डिस्टेंस और टाइम का जो कर्व होगा वह एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसकी कवर की हुई डिस्टेंस एक निश्चित इंटरवल से एक निश्चित गैप से आगे बढ़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन।